ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇਖਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਰੈਂਡਸ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੋ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੋ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਕੀ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਖਾਤੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਡਾਇਨਾਸੋਰਸ ਹੈ। ਵਾ
आ जाओ Now we are entering life through the ages. ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। समुद्र में जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई जिनमें हरे शैवाल और आदि मछलियां शामिल थी। इसी काल में भूमि पर पेड़ पौधे और जीव जंतु दिखाई दिए और फिर कीड़े मकड़ियां और चौपाइयां विकसित हुई। समय में पृथ्वी पर पहले व्यापक वन की उपस्थिति देखी गई। कार्बोनिफेरस समय की विशेषता घने और दलदल वन वाले स्थान थे। परमियन समय में पृथ्वी पर जलवायु भूमि में बड़े बदलाव हुए। ट्रिलोबाइट्स और अन्य समुद्री समूह विलुप्त हो गए और छोटे सरीसृप यानी छोटे रेप्टाइल्स का एक समूह विकसित हुआ। ये ज्यादातर डायनासोर के साथ साथ पेट्रोसो और मगरमच्छ के पूर्वज थे। समय के विकास के साथ यही छोटे सरीसृप यानी छोटे रेप्टाइल्स धीरे धीरे बड़े होते गए और डायनासोर विकसित हुए। यही डायनासोर विकसित होते होते बड़े होते होते इतने बड़े हो गए कि पूरी पृथ्वी पर शासन करने लगे। इनमें पेड़ पौधों को खाने वाले डायनासोर्स के साथ साथ मांस का भक्षण करने वाले डायनासोर भी शामिल थे।
महानाल से होकर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय का आवर्धित दृश्य देखने से पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें धमनियां होती हैं। जैसे एंटीबायोटिक टूटते हैं, ये उन धमनियों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। धमनियों के अंदर हमें रक्त कोशिकाएं जैसे कि लाल रक्त कण RBC, श्वेत रक्त कण WBC तथा इसके साथ रोग फैलाने वाले निश्चित जीवाणु दिखाई पड़ते हैं, जो कि रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। एंटीबायोटिक जीवाणुओं की दीवार से चिपकते हैं तथा उन्हें नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं, पर कई बार हमें जीवाणुओं की अलग प्रजाति और अलग स्ट्रेन मिलते हैं, जिनसे चिपकने के बाद भी एंटीबायोटिक्स उन्हें नष्ट करने में असक्षम होते हैं। इसलिए ये जीवाणु एंटीबायोटिक प्रभाव के लिए प्रतिरोध करते हैं। जीवाणुओं की कोशिका द्रव्य झिल्ली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को समीप से देखने पर ये प्रोटीन परिवहन के कई चैनलों की उपस्थिति को दर्शाता है। इन्हें एफ्लक्स पंप कहते हैं। जब एंटीबायोटिक जीवाणु के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो ये इसी पंप के द्वारा बाहर की तरफ फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार जीवाणु एंटीबायोटिक के कार्य का प्रतिरोध करते हैं। इस घटना को औषधि प्रतिरोध कहते हैं। बैक्टीरियम एंटीबायोटिक्स का कई तरह से प्रतिरोध करते हैं। ड्रग प्रतिरोधी जीवाणु एक नष्टकारी एंजाइम का स्राव करता है, जो एंटीबायोटिक के साथ बंधता है और उसकी संरचना को सजग करता है। ये परिवर्तन एंटीबायोटिक को निष्क्रिय बनाता है। इस प्रकार प्रतिरोधी जीवाणु अप्रभावी रहता है तथा नए प्रतिरोधी जीवाणुओं का निर्माण करता है। परिणाम स्वरूप रोग शरीर में फैलने लगता है। कभी कभी हमें हरे पौधों के पत्तियों पर कुछ छोटे हरे कीट दिखते हैं। ये एफिड या ग्रीन फ्लाई होते हैं। एफिड लंबे पतले पैरों से युक्त कोमल शरीर और आहार नाल रखते हैं। अब हम पत्ती की कोशिकीय संरचना देखेंगे। इस कीट का सबसे महत्वपूर्ण अंग इसके चुभने और चूसने वाले मुखांग होते हैं, जिन्हें स्टाइलेट कहते हैं। एफिड अपने नलिकाकार मुखांगों का उपयोग पत्तियों को छेदने में करते हैं। जब ये रस की उच्च दाब वाली फ्लोएम वाहिकाओं में छेद करते हैं तो रस पंप से होकर इसके आहार नाल में आ जाता है। इस प्रकार एफिड अक्रिय रूप से पौधों की फ्लोएम वाहिकाओं में बहने वाले रसों को चूसता है। कई बार रस चूसने के क्रम में ये कीट पौधों में विषाणु या वायरस छोड़ देते हैं, जो कभी कभी पौधों को मृत कर सकते हैं। लेजर शो Oh,
अंदर 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 चलता रहूंगा। ਪਾਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲਾ ਲਾ ਭਾਈ ਗਾ ਤਰਾਈ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਾ ਮੜੀ ਕਮਾ ਲਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗਾ ਫਰਿਆ ਆ ਬੱਲੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਬਾਲਾ ਫੜ ਲੈ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮਸਲਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਭਾਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ एक ऐसी जगह है जो सबसे ऊंची है, जहां बादलों के पार सपनों का पीछा किया जाता है, जहां बस ताकतवर और भाग्यशाली ही बच पाते हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी, जहां हवा प्रचंड है, एक वीरान मृत्यु क्षेत्र, जहां मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, हर सांस ठंडी आग की तरह फेफड़ों को जला देती है। एवरेस्ट कहे जाने वाले इस पहाड़ पर कई लोग मर चुके हैं। बच्चा था, मेरे पिता ने कहा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ देवताओं का निवास है। मेरे लोग शेरपा बौद्ध हैं।
एवरेस्ट को हम शिखर पर रहने वाली देवी चोमोलुम्मा के नाम से बुलाते हैं। 50 से भी अधिक सालों तक जिसने भी इस पर चढ़ने की कोशिश की वो असफल रहा या मर गया। और तब 1953 में दो पहले पर्वतारोही शिखर पर पहुंचे, एडमंड हिलेरी और मेरे पिता तेनजिंग नॉर्गे। जब मैं सिर्फ 5 साल का था तो मैंने पहाड़ के देवताओं के नाम घी के दिए जलाए थे जिन्होंने शिखर पर मेरे पिता की रक्षा की थी। उन्होंने कहा था कि पहाड़ ने उन्हें अपार शक्ति दी है। मुझे लगता था वे दुनिया के सबसे बहादुर व्यक्ति थे। एवरेस्ट पर उनके चढ़ने के 43 साल के बाद अब शिखर पर चढ़ने की मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं। लगता है ये तो मेरे खून में ही है। सबसे पहले मैंने सीखा खुद को रोकना। यही एक तरीका है जिससे आप बर्फीली ढलान पर गिरकर फिसलने से स्वयं को बचा सकते हैं। एवरेस्ट की चोटी के पास लोत्से फेस करीब 1 मील ऊंची बर्फ की दीवार है। मेरे पिता उस पर चढ़ गए थे और अब 43 साल बाद मैं उसी रास्ते चढ़ूंगा। इस बसंत में जैमलिंग एक एवरेस्ट अभियान में शामिल हो जाएगा जिसके नेता सिएटल के एड बीस्टर्स होंगे। एड एवरेस्ट पर 4 बार चढ़ चुके हैं। वो हर रोज अभ्यास करते हैं, यूटा में छुट्टी बिताते समय भी। मैं अपने साथ एक कुशल आरोहियों का दल लाया हूं जो एवरेस्ट के भूगर्भ का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की मदद करेंगे। इस साल मेरी मंगेतर पौला बेस कैंप की मैनेजर होगी। हम शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही एवरेस्ट पर जा रहे हैं। मेरे हिसाब से एवरेस्ट पर हनीमून सस्ता रहेगा। वर्कआउट कहती हूँ और वो कहता है वार्म अप। इस दल की तीसरी मुख्य आरोही होंगी बार्सिलोना स्पेन की दक्ष युवा पर्वतारोही रासेली सेगारा, जो कई ऊंचे पहाड़ चढ़ चुकी हैं, मगर वो विख्यात हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए। समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन पर्वतों पर चढ़ना उससे भी अधिक। मैं कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रही, मुझे पर्वतारोहण प्यारा लगता है। ये मेरा पागलपन है बस। अगर वो एवरेस्ट की चोटी चढ़ने में सफल होती हैं, तो इतिहास में एरसेली पहली स्पेन की महिला होंगी। हालांकि वो मेक्सिको में प्रशिक्षण ले रही हैं, उनका लक्ष्य यहां से आधी दुनिया दूर है। एवरेस्ट की चोटी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय का हिस्सा है, जो एशिया के बीचों बीच 1500 मील तक फैला है। इसकी बर्फीली चोटियों से बहुत नीचे सब ट्रॉपिकल जलवायु की घाटियों में बसी है नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये शहर मुझे बहुत प्यारा है। 1953 में मेरे पिता और हिलेरी यही काठमांडू से यात्रा पर निकले थे। 15 मार्च को हमारे दल के लोग भी अपनी योजना बनाने यही जुटेंगे।
अंग्रेज वैज्ञानिक रॉजर विलम की मदद के लिए पर्वतारोही काठमांडू आए हैं। रॉजर चाहते हैं कि ये दल एवरेस्ट की चोटी पर यंत्रों को रख दे ताकि वो इसके भूगर्भ का अध्ययन कर सकें। जापान की सुमियो सुजुकी इस अभियान को डॉक्यूमेंट करेंगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम में एवरेस्ट पर चढ़ पाने की शक्ति है? नहीं जानते कि मुझ में कितनी शक्ति है, कभी एवरेस्ट पर चढ़ी नहीं, देखना है मुझे। हमारे पास कुल मिलाकर 3 टन सामान है जिसमें से आधे से 2/3 शायद खाने का ही है। यही मेरा सपना रहा बचपन से कि मैं शिखर पर चढ़ूं। कल हम हेलीकॉप्टर से एवरेस्ट के निचले पहाड़ियों तक पहुंचेंगे। आने वाली मुसीबतों से रक्षा के लिए पूजा चक्र को घुमाने में सुमियो मेरा साथ दे रही है। हेड के भाड़े पर लिए जर्जर रूसी हेलीकॉप्टर को देखकर तो मुझे लगा कि जितनी हो सके उतनी पूजा कर ही लेनी चाहिए। सामान ढोने वाला ये हेलीकॉप्टर बेस कैंप की ऊंचाई तक नहीं जा सकता, मगर 9000 फीट तक तो ले ही जाएगा। वहां से 30 मील चलकर ही माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाएंगे। दुनिया की ऊंची से ऊंची चोटियों पर चढ़ना मुझे अच्छा लगता है, और अधिकतर तो हिमालय में ही है, और रॉजर को पता है कि ऐसा क्यों है। एरसेली को ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का नशा है, और वो कैसे बनते हैं यही जानना रॉजर विलम का उद्देश्य है। महादेश वस्तुतः घूमते हैं, और जब दो विशाल पृथ्वी खंड टकराते हैं तो पत्थरों को कहीं जाने के लिए जगह तो चाहिए ही, और वो ऊपर जाते हैं। इसी टकराव ने हिमालय पर्वतमाला को ऊपर धकेला है। करीब 10 करोड़ साल पहले भारत कहा जाने वाला भूखंड अपने उत्तर एशिया की ओर खिसकने लगा था। जब महादेश टकराए तो भारत का एक हिस्सा एशिया के नीचे चला गया और बीच की जमीन दबाव से ऊपर उठ गई, उसी से बना हिमालय। भारत अभी भी एशिया के नीचे घुसता जा रहा है, इसीलिए हर साल हिमालय 1/4 इंच और ऊंचा हो जाता है। 29,028 फीट पर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 5.5 मील ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। भूखंड की छोटी छोटी गतिविधियां ऊंचे पहाड़ों को जन्म देती हैं, और रॉजर अपने जीपीएस यंत्रों से उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। रॉजर तो वो खुश दिखता है जब वो अपना ज्ञान दूसरों को बताता है। उसके लिए तो भूगर्भ एक जीवंत प्राणी है। पृथ्वी के अंदर की वेगवान शक्तियां जो इन पहाड़ों को 5 मील ऊंचा बना देती हैं, भयानक भूकंप का कारण भी बन जाती हैं। खुमजुंग जैसे गांव में कुछ ही मकान ऐसे बने हैं जो इन झटकों को सह सकते हैं। हम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, पर यदि हमारा दल एवरेस्ट के ऊपर जीपीएस माप लेने में सफल हुआ तो हमारे आंकड़े और भी सही हो जाएंगे। 13,000 फीट पर एक एकांत टीले पर बसा है ध्यान गोच का बौद्ध विहार। तैतालीस साल पहले मेरे पिता एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए देवता का आशीष लेने इसी बौद्ध विहार में रुके थे। शेरपाओं का विश्वास है कि पूजा करने वालों की तो पर्वतीय देवता रक्षा करते हैं, मगर खराब नियत वालों पर क्रोधित भी होते हैं, मृत्यु दंड भी देते हैं। इसीलिए पर्वत का सदा आदर ही करना चाहिए। सामान ढोने वाले 60 याकों के दस्ते के साथ हम बेस कैंप जा रहे हैं, यहाँ से 5,000 फीट ऊपर। सेहतमंद आदमी भी ऊंचाई की बीमारी से मर सकता है, मगर यदि आरोही धीरे धीरे चढ़े तो शरीर कम ऑक्सीजन के लिए तैयार हो जाता है, जिसे जलवायु के अनुकूल बनना कहते हैं। खून की लाल कोशिकाओं की संख्या दुगनी हो जाती है ताकि वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जमा कर सके। 29,000 फीट की ऊंचाई पर किसी का जिंदा रहना ही एक अद्भुत उपलब्धि लगती है। अगर किसी को समुद्र तट से सीधे एवरेस्ट की चोटी पर ले जाया जाए तो कुछ मिनटों में ही वो बेहोश हो जाएगा और फिर जल्दी ही दम तोड़ देगा।
पत्थरों के ये स्मारक जिन्हें यहाँ चोरतन कहते हैं एवरेस्ट पर शहीदों की यादगार हैं। खुम्बू पहुँचते ही इन चोरतनों को देखकर पहाड़ों पर मरे लोगों की याद आती है जिन पर हम चढ़ने जा रहे हैं। अप्रैल को हम एवरेस्ट के नीचे तक पहुंच गए हैं। यहां एक विशाल ग्लेशियर पर हम बेस कैंप बनाते हैं। हमारे कैंप के पास दर्जनों दूसरे कैंप लगे हैं। सभी की मंजिल एक ही है, वो चोटी जो अब सिर्फ 2 मील ऊंची है। एड को फिक्र है कि पहाड़ पर कुछ ज्यादा ही दल जमा हो गए हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल ही अनुभवहीन लगते हैं। संचालन के इस बेस कैंप से सामान का भार बांटने और मजबूत शेरपाओं द्वारा ऊपर भेजने की जिम्मेवारी जैमलिंग की है। वो लाल वाला था लगे जो मेरी तरह बहुत तेरे शेरपा बिना बीमार हुए या सांस की तकलीफ के भारी बोझ ऊपर तक ढो सकते हैं। हमारे खून में ऑक्सीजन अधिक होता है, इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि पहाड़ चढ़ना तो मेरे खून में, तो मैं मजाक नहीं करता। दल के सभी लोग मुझे बेहद अच्छे लगते हैं, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हनीमून पर 30 लोग होंगे। 30 भूखे लोग। बड़े बावर्ची को चंगबा कहते हैं। ये हमेशा ही गाता रहता है, हंसता रहता है। सच, ये बहुत ही मजेदार आदमी है। चलो खाना तैयार है। दिन में कई बार बेस कैंप पर पर्वत खंडों के टूट कर गिरने की दहाड़ आती रहती है। अरे पीछे एवरेस्ट पर 150 आदमी मरे हैं। करीब एक तिहाई की मौत तो गिरती बर्फ की चपेट में हुई है। हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे जिससे 1953 में मेरे पिता और एडमंड हिलेरी गए थे। इसमें 3 बेहद खतरनाक इलाके हैं। पहला है खुम्बू का हिम प्रपात, जहां बिना किसी चेतावनी के बर्फ के बड़े स्तंभ गिरते रहते हैं। इसके ऊपर है 4,000 फीट ऊंची बर्फ की सीधी खड़ी दीवार, लुत्से फेस। और तीसरा खतरनाक इलाका है चोटी के पास का दक्षिणी पूर्वी रिज। हिमप्रपात 500 फीट गहरी जमीन नदी की तरह है, जो करीब 4 फीट प्रतिदिन के हिसाब से नीचे खिसकती है। कुछ विशाल हिमखंड का वजन तो 40 टन तक होता है, जो अचानक टूट पड़े तो आपको क्षण भर में पीस दे। हिमप्रपात में सीढ़ियां खूब काम आती हैं, उसका अभ्यस्त होने में वक्त लगता है। मैं शुरू में ही गिरना पसंद करती हूँ कि बाद में मुझे फिर गिरना नहीं पड़े। देखते हैं तो अंदाज नहीं लगता कि खाई कितनी गहरी है। मैं तो पता भी नहीं करना चाहती। शेरपा कहते हैं कि अगर आप इसमें गिरे तो सीधे अमरीका पहुंच जाएंगे।